हेलो गेमर्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो कि पहले असेंशियल नहीं था लेकिन अब मस्ट हो चुका है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर। तो आज हम SSD के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है इस वीडियो में और आपको भी इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को जानने में और जानने में कि NAND फ्लैश कैसा काम करता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं टेक क्रिएटर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स गो। तो बात कर लेते हैं हमारे SSD की परफॉर्मेंस के बारे में कि हमको कैसा परफॉर्मेंस देने वाली है। तो पहले ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, फिर परफॉर्मेंस पे जंप करते हैं। तो मेटेलिक रिंग्स के साथ ब्लैक कलर की A400 लाइनअप की 240GB की SSD है और मेटेलिक है, तो आपको करंट भी आ सकता है अगर आप चलती CPU में हाथ लगाते नंगे पाँव अर्थिंग के द्वारा। तो इस बात से आप अवेयर रहे कि भाई नंगे पाँव कंप्यूटर में हाथ नहीं लगा, आपको एक्सपीरियंस तो हो रखा होगा यूएस बोर्ड में उंगली देते हुए या फिर आपकी CPU की बॉडी को हाथ लगाते हुए, तो इसलिए बता रहा था मैं। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पीक स्पीड इसकी 500 MB/s दे रखी है रीड की, लेकिन इतनी आपको देखने को नहीं मिलती है, 450 MB/s देखने को मिलती है आपकी अगर आप आइडियल कंडीशन में नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सर्दी का माहौल चल रहा है, थोड़ा बहुत गर्मी का चल रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है, लेकिन खतरनाक गर्मी में आपको परफॉर्मेंस या तो कम भी देखने को मिल सकती है, ज्यादा भी देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं इसकी राइट स्पीड के बारे में। तो इसकी पीक स्पीड 450 MB, लेकिन हमको इसकी स्पीड देखने को मिलती है लगभग 350 से 400 MB/s, तो इसमें भी ड्रॉबैक देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्राइस रेंज 2800 से 2500 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इतना जबरदस्त है कि आपको कहां तो इस प्राइस रेंज में पहले हार्ड डिस्क देखने को मिलती थी हमारी, जो कि होती तो ज्यादा ही थी 1 TB 500 GB, लेकिन हमको SSD देखने को मिल रही है जो कि 128 GB की SSD आती थी इस प्राइस रेंज में 6 महीने पहले, लेकिन अभी हमको देखने को मिल रही है 240 GB की SSD सेम प्राइस रेंज में और इससे भी सस्ते में, क्योंकि मैंने एक SSD बाय करी थी हमारी किंगस्टन की आई थी जो 120 GB की थी, 2850 रुपए की मैंने बाय करी थी MD कंप्यूटर से, लेकिन आज वही MD कंप्यूटर पे 1500 1600 1700 की देखने को मिल रही है अगर हम ADATA और WD ग्रीन जैसे ब्रांड को लेते हैं। तो ये SSD इतनी सस्ती क्यों है? तो इसमें TLC NAND फ्लैश का यूज किया जाता है, डेटा एंट्री के लिए एक ऐसा गेट दे रखा होता है जो कि नेट प्लेस वाला होता है उसके साथ, भाई ये हमको 8 वोल्टेज स्टेजेस क्रिएट करके देता है, यानी कि 0 0 1 1 1 1 1 0 0, इस तरीके के 8 वोल्टेज स्टेजेस हमको देता है। तो इस तरीके की हमारी इसकी प्राइस सस्ती हो जाती है और कैपेसिटी बढ़ जाती है कि भाई हमको 3 bit/s की मेमोरी हमको देखने को मिल रही है, तो साइज बढ़ता है, परफॉर्मेंस तो कम होती है जैसे कि आपको TLC में देखने को मिल रहा है, और MLC वाली हमारी जो Corsair वाली या फिर सैमसंग की 860 वो है, वहां भी हमको 2 bit/s वाला कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 bit/s यानी कि एक कमरे में आपको 2 जने देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे शांति से ही रहेंगे वो, तो इस तरीके की आपको मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, स्पीड फास्टर हो जाती है और मेमोरी साइज कम होता चलता है, यानी मेमोरी साइज बढ़ता तो है लेकिन महंगा बढ़ता है, उसके लिए आपको बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बहुत महंगी लिथोग्राफी करनी पड़ती है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ता रहता है। तो बात करते हैं SLC, तो SLC हमारी खतरनाक महंगी, वो हमारी एंटरप्राइज लेवल पे काम आती है, और एंटरप्राइज लेवल का मतलब है कि मैं वेब पेजेस की बात कर रहा हूँ कि भाई आपको जैसा Amazon.in वाला वेब पेज जितनी जल्दी खुल जाता है, जितना फास्टर आपका नेट होगा उतना फास्टर वो पेज खुलता जाएगा, तो हार्ड डिस्क से तो पॉसिबल है नहीं कि इतना फास्ट ही खुल जाए, तो ये हमारी SSD का काम है कि भाई SSD वाली SSD लगा दे, उस तरीके से उनके सर्वरों में से हमारे डेटा आपको आउटपुट देखने को मिलता है हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे, तो इस तरीके से उनकी वेबसाइट हमारी ऑनलाइन आ जाती है SSD के द्वारा। अगर हमारा नेट 91 GB/s पे भी है तो वो भी इतनी जल्दी खोल देगा हमारा, जितना हम सोच नहीं सकते कि भाई हमारी हार्ड डिस्क कितना खोलेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 MB/s खींच के 250 MB/s से तेज नहीं खोलने वाली, लेकिन अगर हमारा 1 GB/s पे भी नेट चल रहा है, यानी कि लगभग 300 MB/s का भी नेट चल रहा है हमारा, 300 MB/s पे भी, तो वहाँ पे भी हमारा वेब पेज इतनी जल्दी खुल जाता है। तो ये काम है SLC का, और आप समझ गए होंगे कि SLC MLC और TLC में क्या डिफरेंस है। तो बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क्स के बारे में, जो कि मेरी SSD है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेंचमार्क्स क्या है। तो आशा करता हूँ कि आप हमें बेंचमार्क्स देख लिए होंगे। तो बात कर लेते हैं हमारे SSD के कंपैरिजन के बारे में, जो कि 120 GB की मैंने बेंचमार्क्स दिखाया आपको और 240 GB के बेंचमार्क्स दिखाया, हार्ड डिस्क को भी भूल जाइए, और दोनों में से फास्ट 240 GB की, क्योंकि हमारा जो मेमोरी कंट्रोलर SSD के अंदर लगा रहता है वो जितनी ज्यादा हमारी मेमोरी चिप लगी रहेगी, यानी मेमोरी फ्लैश लगी रहेगी, उतनी ज्यादा स्पीड उसकी देखने को मिलती है बढ़िया वाली। मेमोरी कंट्रोलर वैसे भी हाई स्पीड कंट्रोलर होता है, और जितने रूम देखने को मिलते हैं उतने ज्यादा लोग उसमें समाते चलेंगे, तो उतनी स्पीड हमको देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चले कि हमारे 32 GB के रूम दे रखे हैं इसमें,
यानी 32 GB की फ्लैश मेमोरी दे रखी है, तो हमको 4 फ्लैश मेमोरी हमको 128 GB में देखने को मिल जाती है, जो कि 120 GB के 8 GB हमारा सिस्टम रिजर्व कर लेता है। तो 120 GB वाली में हमको 4 मेमोरी फ्लैश देखने को मिल जाते हैं और हमारी 240 GB वाली में 8 मेमोरी फ्लैश देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमारी 240 GB वाली SSD है वहाँ आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू 120 GB। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप SSD बाय ही करें तो मिनिमम से मिनिमम 240 GB की SSD तो बाय ही करें, क्योंकि उससे कम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होगा। तो अपडेट आते 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 मेरा भी SSD में जगह 20 GB रह गई थी, इसलिए मैंने 240 GB वाली SSD मंगाई है। माया अनरियल इंजन यूनिटी इस तरीके की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रख रखा हूँ ताकि मेरे को बढ़िया स्पीड देखने को मिल जाए रीड एंड राइट। ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी नहीं, ये आपका रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ाएगी, यानी कि आपका रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव करेगी। तो बात कर लेते हैं SSD क्यों जरूरी, क्योंकि जितने भी हमारा i3 का 8 जनरेशन है, i3 का 7th या 6th जनरेशन वाले लैपटॉप है, देखने में इतने पावरफुल है कि भाई G4560 को पीछे छोड़ दें, लेकिन G4560 यानी डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क क्या होती है कि 7200 RPM की होती है। तो अगर हम हार्ड डिस्क में ज्यादा स्टोरेज करते रहते सी ड्राइव के अंदर, तब भी उसी टाइम पे यानी बड़े टाइम पे खुल जाती है, लेकिन हमारी हार्ड डिस्क होती है लैपटॉप की वो 5400 RPM की होती है। और अगर हम सी ड्राइव में ज्यादा से ज्यादा चीजें भर देते हैं तो वो लोड होने में बहुत टाइम लगती है विंडोज को तक। तो हमको SSD उसमें इंस्टॉल करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप है i5 का 8th जनरेशन जैसा लैपटॉप जिसमें लगा हुआ हमारा 1050 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड और आपने उसमें SSD नहीं लगा रखी हो, आपका रिस्पॉन्स टाइम लेट हो रहा है कि भाई लैपटॉप को ओपन होने में यानी खुलने में 30 सेकंड का बूट टाइम लग रहा है, 50 सेकंड का बूट टाइम लग रहा है, तो ये भी एक फेयर चीज नहीं है कि भाई अगर आप डेवलपमेंट करते हैं उसके अंदर अपने गेम्स की या फिर मॉडलिंग करते हैं उस लैपटॉप के अंदर तो उनमें भी बहुत टाइम लगेगा खुलने में, तो आपके काम डिले हो जाएंगे और आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगा कि भाई इतना महंगा लैपटॉप लिया है तो भाई क्यों जरूरी है। और टाइम की बहुत ज्यादा कीमत है अभी कि भाई आप किसी मास्टर के सामने गए, उसने बोला कि आपको कि भाई आपका अनरियल इंजन में कितना काम हुआ, आपने खोल के दिखाया भाई आधे घंटे तो खुलने में लग गया, तो हो गई बेइज्जती। तो इस तरीके से आप बेइज्जती से बच सकते हैं अपनी SSD लगा के, और उससे आपको खुद को ही फायदा है, ऐसे नहीं भी नुकसान आप उनको मास्टर को इम्प्रेस करना नहीं, इससे खुद को भी इम्प्रेस कर सकते हैं आप कि भाई मेरा तो लैपटॉप इतनी जल्दी खुल गया, अपने दोस्तों को बुला के आप दिखा सकते हैं भाई देखो तुम्हारा लैपटॉप इतनी जल्दी नहीं खुलता जितना तो मेरा लैपटॉप खुल जाता है। शो ऑफ की बात करें या फिर खुद की इच्छा के बारे में बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा 2019 में कम से कम बाय तो करें SSD। अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हैं ओवर द 40,000 प्राइस पे तो एक SSD लेना तो बनता ही है, क्योंकि आप 120 GB की SSD दे सकते हैं, लेकिन जब आपने देख लिया बेंचमार्क्स 240 GB वाले SSD के, तो 240 GB की SSD पे इन्वेस्ट करें अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप जा सकते हैं तो। बाकी अगर आप 240 GB से ज्यादा की SSD लेते हैं तो आपको 4000 रुपए की समथिंग देखने को मिली, लेकिन आप उससे बढ़िया तो 860 EVO बाय करें MLC वाली, वो आपको और भी ज्यादा परफॉर्मेंस इनहांस करके देगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल करें सब्सक्राइब, मिलते हैं वीडियो में, तक जय हिंद वंदे मातरम। Star out zero, yeah. Gunshot, the pudgy hero, bam. Headshot, honey get head top with a red dot, now got on the dot, so bitch I'm on top, like Star out zero, gunshot, the pudgy hero, headshot, honey get head top with a red dot, now got on the dot, so bitch I'm on top, like Star out zero, gunshot, the pudgy hero, headshot, honey get head top with a red dot, now got on the dot, so bitch I'm on top, like Star out zero, gunshot, the pudgy hero, headshot, honey get head top with a red dot, now got on the dot. Panicking, now I'm famous and I stay dangerous. Got the car 98 or the M24 and result, yeah. Your body's on the floor. Winner, winner, chicken dinner, I don't keep score. When I get my scope, see the ultralight beam.